तो सरप्राइज कैसा लगा गाइस? तो तुम लोग को जरा भी उम्मीद नहीं होगी कि मैं गेम प्ले वापस खेलने वाला था। वो भी एक ऐसा गेम जिसको मुझे मतलब खत्म मतलब बंद किए हुए महीनों हो गए थे। पर मैं सोचा चलो दो गेम अपने चैनल पे, मतलब एक तो प्लेटिनम खेल रहे हैं तो सेकंड चैनल पे वो आएगा, और सोच रहा पोकेमोन अनबाउंड वापस से स्टार्ट करूँ। पर देखो रेगुलर गेम प्ले नहीं आ पाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पर यार आई वॉज मिसिंग, क्योंकि गेम प्ले इज़ अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब, मतलब गेम प्ले जरूरी है। सो तुम लोग के लिए मैंने ला दिया पोकेमोन अनबाउंड का ये एपिसोड। तो यार ऐ साला, हे बॉयज एंड गर्ल्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यार तुम लोग का स्वागत है पोकेमोन अनबाउंड के एक नए और बेहतरीन और अविश्वनीय एपिसोड में। तो एक और मैंने एडिशनल किया, तुम देख सकते हो मेरे टीम में एक नया पोकेमोन है जिसका नाम है मेगा चार्जार्ड एक्स, मतलब चार्जार्ड है जिसको हम मेगा चार्जार्ड एक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अनबाउंड में तो अभी तक चार्जार्ड का मतलब बहरा सिटी तक तो ऐसा कोई है नहीं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, ये जब मैंने एक एपिसोड डाला था हाउ टू गेट एनी लेजेंडरी पोकेमोन, तो उसमें आई गेस मैंने चार्जार्ड को मैंने स्विच किया था पोकेमोन द लास्ट फायरहेड सीजन 2 के मतलब वो पोकेमोन से स्विच किया था, तो ये वहीं का चार्जार्ड है। तो इसको मैं अब अपने अनबाउंड टीम में सेट करके रखा है, तो आज इसका भी काफ़ी यूज़ होने वाला है यहाँ पे। और मैं चलो अब ज़्यादा बकवास ना करते, गेम पे फोकस करते। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तुम इससे बात करोगे ना तो ये तुमको ये गो गोगल्स देगा जिससे तुम उधर जा पाओगे। किधर? या द सिटी नेम इज़ या, मतलब नेक्स्ट रूट में हम लोग इसी की मदद से जाएंगे, यही है। और चलो मैं ज़्यादा टाइम तुम लोग का नहीं वेस्ट करूँगा, लेट्स गो। कहाँ पे था रास्ता, कहाँ पे था? ओहो ये माइबा एमुलेटर बिना, मेरे को लेम्यूरॉइड में खेलना चाहिए था, बेस्ट था वो। ओहो ओहो यार ऐ साला, व्हाट द फ्रिकिंग बॉय, गेम का यही मजा ही आता है। ओके ए दिव्यांश, ओह क्या तुम दायरा सिटी छोड़ रहे हो? चलो तुम काफ़ी धीरे हो। चलो वेल मैंने फिगर आउट कर लिया है कि वो रूइंस ऑफ वॉइड। हाँ हाँ चल 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 चल, लूकर भी आ गया है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा ऑलरेडी लिया है मैंने। या चल 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 चल, मेरे को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जल्दी बस जाना है। वी विल टर्न, ओके 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 ओके, जल्दी जल्दी लुकर आउट, या लुकर निकल, लुकर आउट लुकर निकल। तो यहाँ पे बात करते हैं। ओ मैं तुम्हारे पोकेमोन हील कर दूंगा अगर तुम मुझसे लड़ना चाहोगे, पर तुम कभी भी ये नर्स जॉय की जगह नहीं ले सकती। ओके मेगा चार्जार्ड एक्स, क्या बात, विंग अटैक से गया टोगेपी फिर? ओके टोगेटेक, ओके मेरे पास है मैं जूनियर, और मेरा जूनियर तुमको भी काफ़ी मिस किया मैंने, कैसे हो मेरे जूनियर? ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नहीं नहीं ठीक है, मेटल क्लॉक काफ़ी है। या चलो ठीक है, चलो चलो चलो, कहाँ चलना है? यहाँ चलो, यहाँ नहीं। ओह क्रोकोकॉक, अच्छा पोकेमोन है पर अभी नहीं चाहिए हमें। ओह ये कौन है भाई? ये तो पोकेमोन बंटाई के दादा की भैंस की, मतलब उनके सांड की ये अस्थियाँ मुझे लगती है, ऐसा रेडाक ने एक एपिसोड में कहा था। तो एक्चुअली मेरे को लगता है कोई टॉरस का ये है अस्थियाँ। अरे भाई टॉरस की अस्थियों को देखने तो ध्यान से। ओह चलो थोड़ा पोकेमोन भी सर्च आउट कर लेते, देखते कौन है बाकी। बढ़िया है भाई, बढ़िया बढ़िया। एक मिनट गाइस, तो टॉरस की अस्थियाँ हम लोग ने देख ली है। मे गॉड रेस्ट इन रेस्ट इज सोल इन रेस्ट इन, क्या बोलता हूँ यार, मे गॉड, छोड़ो भाई मैं क्या कभी कभार क्या क्या बोल देता हूँ, खुद को नहीं समझ आता। ओके यहाँ नहीं जाना हमें। ओह हिप्पो डाउन, अच्छा पोकेमोन है। मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि तुमको पोकेमोन चाहिए ना मस्त वाला, तो इसको रखो, बाप पोकेमोन भाई। ओके ठीक है गाइस, आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ आ रहा हो, क्योंकि देखो मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इसीलिए आई एम सॉरी, मतलब पता है एक्चुअली, पर जैसे बोला था ना गांव में हो तो थोड़ा वॉइस ओवर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले ही सॉरी। हैव यू सीन एनी टुडे? ओके डबल बैटल, कोई बात नहीं, या आई एम रेडी गाय वलेबली। ओके लेट्स गो विथ फ्लेम थ्रोअर टू देम, और इस पे डार्क पल्स, ठीक है। तो नहीं वो भी गया, ठीक है
ओके, फ्लेम थ्रो अगेन और डार्क पल्स। ठीक है, बैटर बॉन्ड में हो गया है बंदा तो यार। ओए साला क्या बात, हाँ नो प्रॉब्लम। जूनियर हो गया लेवल 56 का, तो इसका मेटल क्लॉ हटा देता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड इट। आयरन हेड ऑलरेडी है, ठीक है। ओ आर्चिपेलगो, मैं आर्केन, ठीक है। अच्छा पोकेमॉन है, स्ट्रेंथ इसमें काफ़ी होता है इस पोकेमॉन के। लेट्स गो। यस, the wall is rocky, climb B. ओके, यहाँ पे काफ़ी पोकेमॉन आ रहे हैं यार, हमें जल्दी सिटी पहुँचना होगा। ये तो मैं पहली बार पोकेमॉन देखा है भाई, इसको पकड़ूंगा मैं क्योंकि मैं, अरे यार भाई मैंने ये पोकेमॉन को फर्स्ट टाइम देखा है गैस। सूर्य कटर आता था, तुम लोग ने भी देखो ब्लैक हिप्पोडाउन है कैसे, शाइनी नहीं पर शाइनी जब भी आता है ना तो उस पर एक स्टार टाइप का कुछ आता है, पर ये तो अलग ही है भाई, पता नहीं क्या है ये। सैंड स्लैश, ओके नो प्रॉब्लम, हम जल्दी निकलते हैं ऐसे। ये क्या है, द फ्लारा, ओके ओके चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम यार। ऐ साला क्या बात, स्लिगो, हाँ तो ये ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है ना, स्लिगो एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, तो ग्रीनिंजा को निकालता हूँ। हाँ एज एक्सपेक्टेड, मेरे पास भी एक स्लिगो है। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन मैक्टस, मैक्टस के लिए मैं एक ही पोकेमॉन ने निकाल हटा रहा, आज भी हम सही ख़त्म करते हैं। मार्क्टस भी गया, बहुत अच्छे चार्जर लेवल 69 का हो गया। ओके तो पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा आ रहे गाइस, हम कुछ चीज़ें स्किप विप कर दूंगा मैं अगर मेरे को लगेगा कि ज़्यादा बोरियत हो रहा है। बाकी फिर एक टॉरस की सांड में मतलब सांड मिल गया, क्या बोलते हैं उसकी अस्थियाँ मिल गई, रॉक इंसेंस, लेट्स गो। हिप्पो डाउन अगेन, ओह यहाँ एक पोकेबॉल है, काफ़ी ज़्यादा है भाई, समय से हम लोग यहीं पर है। फ्रेश वाटर, क्रोको कॉक, हाँ एक इसको पकड़ लेता हूँ मैं, ये पोकेमॉन भी अच्छा है पर लेवल का प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं। इस बंदे से एक बार बैटल करते देखे साथ कुछ पता चले। नो, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है चलते हैं। यार ऐसे ही तब फिर तो पूरा मतलब वेस्ट होता जाएगा। नो प्रॉब्लम, मैं करता हूँ कोशिश, कुछ करता हूँ। ओके कहाँ से जाएं भाई, कंफ्यूजन इंटू 100 हो गया भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से जाए। ओह यहाँ एक बूढ़ा अंकल है, इनसे बात करते हैं तो इनको कुछ पता हो। मैं एक पावरफुल मेंबर वॉरियर कल्ट का हूँ, मुझे लोग अंडाइन लुकायो कहते हैं, मेरे बुढ़ापे में मैं काफ़ी लड़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था और बहुत ताकतवर था और मुझे इनह्यूमन कहा जाता था। ओके यस, मिशन हैज बीन एडेड। ओ या ये पोकेमॉन ना ब्लैक हिप्पोडाउन, हाँ इन्फर्नो एक बार लग जा भाई, ये रहने दो। फ्लेम थ्रोअर मारता हूँ, नहीं पकड़ में आएगा भाई, पर लेवल कौन करेगा ख़त्म। लेट्स सी, चलो जल्दी। ओ या गुरुन टाउन पहुँच गए हम लोग, यहीं पे था मैं, देखो कहाँ ढूंढता हूँ। आई एम सो स्टूपिड, हाँ ओके लेट्स सेव द गेम गाइस। तो यार क्या करें, टू डेट फॉर दिस एपिसोड, थोड़ा और देखते हैं। तो ये है भाई, ये एक लेजेंडरी रॉक टाइप पोकेमॉन रेजी रॉक की मूर्ति है, ओके वॉरियस रीजन का। और ये आई गेस या देखते हैं, चलो
रॉक क्लाइम मेरे को लग रहा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जंगल में जाता है। विविल वुड्स, लेट्स गो। स्वेट लून, हाँ। अब तो यहाँ पे पोकेमॉन में लेवल 40-30 के मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते। ओह, बुढ़ी अम्मा हमें डराने आई हैं। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा जाइए पोकेमॉन डस्ट क्लॉ भैया। ओह थोड़ा चलो सेप्टाइल को मौका देते हैं, मतलब अपने हरियाली भैया को। आओ हरियाली भैया, लीफ ब्लेड ट्राई आउट करो। क्या छिंदी छिंदी अटैक्स, ग्रास टाइप पोकेमॉन पर ग्रास टाइप मूव यूज़ करते हैं, मतलब क्या भाई। शर्म करो शर्म करो। रेली लेवल 54, ओके चलो चलते हैं। लेट्स गो। ओह हाँ, एक बात मुझे पूछना था आप लोगों से, क्या आपने कल का पोकेमॉन का एपिसोड देखा? पोकेमेट्रिक भैया का कहना था कि इन्फर्निप जा सकता है, मतलब इन्फर्निप का वो टाटा गुड बाय हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। और मोस्टली पर इन्फर्निप को उतना बैटल का मौका भी नहीं मिला, वरना वो डैम श्योर कि वो मॉर्टरस को कई टक्कर दे सकता था, हरा भी सकता था। बाकी या दैट्स गुड, कोई बात नहीं। हमें मुझे उम्मीद है कि इन्फर्निप किसी एक ना एक दिन एक लेजेंडरी पोकेमॉन को ज़रूर हराएगा। बाकी पर यार वो बैटल काफ़ी मस्त था, ब्लास्टॉइज, पिकाचू, इलेक्ट्रीवायर, सेंड्रेन, चारे, इन्फर्निप, भाई मस्त था। मुझे तो एपिसोड काफ़ी मस्त लगा। और वो जो गू था, मतलब वो गो जो था, वो भी ठीक है, वो भी शौक हो गया भाई कि सुकून आ गया बंदे के पास। वाइल यू आर मेकिंग ओके, ओ या ठीक है। मीट में देर, हम विविल टाउन में आ गए ना, यहाँ नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, क्योंकि मैं इसके बाद का जानता हूँ, क्योंकि मैंने जितने एपिसोड्स देखे ना, मुझे पता है कि हाँ ये होता है, मतलब एक्चुअली क्या है ना, मुझे पता है मोस्टली कि मतलब ये कि अभी इसके बाद एक शिप क्रैक होगा, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर हाँ मुझे एक्चुअली ये सब का पता है कि हाँ इसमें क्या होने वाला है, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। स्पेशल इवेंट एक एपिसोड में सारे स्पेशल इवेंट नहीं करते, थोड़ा सर्च आउट कर लेते हैं, वॉच टाइम आर भी चाहिए भाई, बात अलग है कि 2-3 घंटे से ऊपर का होता नहीं, पर कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई, क्या पता किसी दिन इग्नोर हो जाए। तो यार फिर यार टू डेट्स फॉर दिस एपिसोड, तो यार होप तुम्हें एपिसोड अच्छा लगे, मैं जल्दी पोकेमॉन अनबाउंड का दूसरा एपिसोड भी लाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट एंड फेयरवेल। और यार ओए साला क्या बात।